दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टॉप 5 रिग्रेट्स की, सबसे बड़े 5 पछतावे। जब इंसान मर रहा होता है उस समय पे जो लोग सोचते हैं, हर किसी को कोई ना कोई टाइप का पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि पूरी ज़िंदगी क्या किया। दोस्तों पछतावा बहुत ख़तरनाक होता है, मतलब चैन से आदमी मर भी नहीं सकता। अगर आप ये जो टॉप 5 रिग्रेट्स हैं, सबसे बड़े 5 पछतावे हैं, अगर आप उन्हें जान जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सकते हैं। ज़िंदगी को खुल के जीना ही ज़िंदगी है दोस्तों, मर मर के जीने में कोई ज़िंदगी नहीं है। और मरते टाइम पे सही से ना मर पाना तो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सको। और ये जो वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए ताकि चैन से मर सकें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये शायद इसलिए भी सच है कि मरते हुए इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको एहसास हो चुका होता है कि धरती पर ये इसका आखिरी पल है और इसके बाद वह किसी को अपने बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बता पाएगा। यह पछतावा हर मरने वाले को होता है कि हमने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ खुद को बेहतर साबित करने में गुजार दी, अच्छा बताने में, अच्छा लोगों के सामने बनाने में गुजार दी, लेकिन लास्ट टाइम अंतिम क्षण में जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है उस समय पे इन सारी चीज़ों के कोई मायने नहीं होते। अगर मायने होते हैं तो केवल ये कि हम कैसे जिए और हम क्या सही किया और क्या गलत, क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था और क्या ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए था। जब मृत्यु नज़दीक हो तो इंसान उन सब बातों को, अच्छे बुरे पलों को याद करता है जो उसके जीवन में सबसे नज़दीक रहे और जिन्होंने जीवन के रुख को मोड़ दिया। आखिर साथ जाता क्या है, केवल अच्छी बुरी यादें और पछतावे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इंसान के अंतिम दिनों के उन 5 पछतावों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ब्रॉनी बेयर ने मरते हुए लोगों के साथ बात करके, उनका ट्रीटमेंट करके अपनी बुक में लिखे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रॉनी बेयर के बारे में भी बता देता हूँ। ब्रॉनी बेयर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक महिला जो बहुत दिनों तक सही नौकरी की तलाश में घूमती रही, लेकिन कहीं भी उन्हें सही नौकरी नहीं मिली क्योंकि कोई उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी, कोई अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं था। इस वजह से अंत में उन्हें एक हॉस्पिटल में जॉब मिली। इस अस्पताल में इन्हें पैलिएटिव केयर यूनिट में काम मिला। ये एक ऐसा यूनिट होता है जहां अंतिम स्टेज यानी मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारियों व असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों को रखा जाता है और इन लोगों की दवाइयों को धीरे धीरे कम किया जाता है और इन्हें काउंसलिंग करके, परामर्श देके और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एंड आस्था की चिकित्सा दी जाती है जिससे वे शांतिपूर्ण मौत की ओर बढ़ सकें। तो ब्रॉनी बेयर ने मिडिल ईस्ट में कई वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग की और जाना कि मरने वाले हर व्यक्ति को पछतावा जरूर था और मरते मरीज के जो सबसे बड़े पछतावे थे उनके लिए उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इस बुक को 2009 के बाद पब्लिश किया गया और ये मार्केट में आने के बाद बहुत ज़्यादा बिकी। दोस्तों कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, उसकी एक बात ईश्वर की बाड़ी जैसी होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन टॉप 5 रिग्रेट्स की। सबसे पहला, आप ध्यान से सुनना दोस्तों, काश मैं दूसरों के अनुसार न जीकर अपने अनुसार ज़िंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। यह सबसे ज़्यादा लोगों का पछतावा था।
इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम यह महसूस करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आज़ादी से जीने की राह देता है, तब तक यह हाथ से निकल चुका होता है। मतलब जब तक हमें पता चलता है कि एक अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ जो है वो हमें अच्छी लाइफ दे सकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम बिजी रहते हैं। दूसरे रिग्रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, काश मैं इतनी कड़ी मेहनत ना करता। ब्रॉनी बेयर ने बताया कि उन्होंने जितने भी पुरुष मरीजों का उपचार किया, काउंसलिंग करी, लगभग 99% को यह पछतावा था, और उन्होंने अपने रिश्तों को समय न दे पाने की गलती भी मानी। ज़्यादातर मरीजों को पछतावा था कि उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम, अपने जीवन का ज़्यादातर टाइम अपने वर्क प्लेस पे ही गुजार दिया, जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ गुजार दिया। अगर भी थोड़ा कम मेहनत करते तो अपने लिए और अपनों के लिए कुछ समय निकाल पाते। रिग्रेट्स नंबर 3, काश मैं अपनी भावनाओं को खुलकर बताने की हिम्मत जुटा पाता। तो ब्रॉनी बेयर ने बताया कि लोग अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट इसलिए भी नहीं करते कि दूसरों को बुरा ना लगे, इससे उनको एक एवरेज लाइफ जीनी पड़ती है, वे वास्तविक जीवन नहीं जी सकते, और इस बात की घुटन और असंतोष के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया, और इस वजह से कभी भी वो हैप्पी लाइफ नहीं रहे, और इस टाइम पे भी इस पछतावे के साथ हैं। रिग्रेट्स नंबर 4, काश मैं अपने बचपन के दोस्तों के संपर्क में रहा होता। अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि अपने पुराने दोस्तों को, यारों को, रिलेटिव्स को भूल जाते हैं, और उन्होंने आखिरी समय में सबको याद आती है, जब मर रहे होते हैं तब याद आती है। और जितने भी लोग की काउंसलिंग ब्रॉनी बेयर ने की, उसमें से सारे लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को लास्ट टाइम में बहुत याद कर रहे थे कि हम काश उनके साथ कुछ समय बिता पाते। रिग्रेट्स नंबर 5, काश मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को खुश रख पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को जीवन के लास्ट समय तक, अंत समय तक, यह पता ही नहीं चलता कि खुशी एक चॉइस है, यानी हम अपनी मर्जी से जब चाहें खुश हो सकते हैं। इसमें कोई भी बाहरी चीज़ की अड़चन या कुछ भी नहीं हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम बाहरी चीज़ पैदा नहीं कर सकती है, बशर्ते हम अपनी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकल कर जिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हैप्पीनेस इज नाउ, खुशी अभी है और आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, जीवन को एक अलग नज़रिए से देखिए, और जीवन में रियल हैप्पीनेस को फील करोगे आप। तो दोस्तों, इन टॉप 5 रिग्रेट्स को अगर आपने याद रखा तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, आपको क्या फील हुआ। थैंक यू एवरीवन।